सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलरशिप फॉर्म चैनल को और आने वाले सभी स्कॉलरशिप्स की सबसे पहले नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। एक बार फिर से आप सभी का स्कॉलरशिप फॉर्म चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको गाइड करने जा रहे हैं निरंकारी राजमाता स्कॉलरशिप्स के बारे में, जो 12th पास अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है। कैसे आपको इसको अप्लाई करना है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, कैसे आपको ऑनलाइन एक्यूरेट तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए चलते हैं scholarshiplife.com पर। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने एक्टिवेट कर दिए गए हैं निरंकारी राजमाता स्कॉलरशिप्स एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आर क्लास 12th पास एंड ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, इसको आपको जो एक्सेशनल डॉक्यूमेंट्स इस पे लगाने हैं इन्हें बड़े केयरफुल देखिएगा। जीरोस कॉपीज ऑफ पे स्लिप एंड आईटी रिटर्न्स ऑफ पेरेंट, जीरोस कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड एडमिशन स्लिप लेटर, जीरोस कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट ऑफ लास्ट ईयर की जो आपकी मार्कशीट है उसको जीरोस कॉपी अटैच करनी है, जीरोस कॉपीज ऑफ रिजल्ट्स ऑफ आर सेमेस्टर एग्जाम पास, जीरोस कॉपीज ऑफ लेटेस्ट फी रिसीव्ड इशू बाय द यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट विल नॉट हैज रिसीव्ड कोई भी अदर स्कॉलरशिप रिसीव ना हुई तो ये स्कॉलरशिप जरूर मिल जाएगी आपको, जीरोस कॉपीज ऑफ राशन कार्ड आधार कार्ड वोटर आईडी पासपोर्ट पैन कार्ड और एनी अदर रेसिडेंस प्रूफ आपको देना है और एक कैंसिल चेक अभी आपको बैंक अकाउंट का लगाना है। तो फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानते हैं जिसके बेस पर आप इस स्कॉलरशिप्स को भर सकते हैं। पेरेंट्स की इनकम एक्सीड नहीं करनी चाहिए 3.5 लाख पर ईयर, स्टूडेंट्स मस्ट हैव एटलीस्ट 19% मार्क्स इन क्लास 12th, स्टूडेंट्स के एक रिकोनाइज स्टैंडर्ड रिकोनाइज से एक अटेस्ट करानी है और स्टूडेंट्स मस्ट बी स्टडिंग ग्रेजुएट डिग्री इन डिसिप्लिन एलोपैथिक और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, ग्रेजुएट डिग्री इन डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग, कोई सी भी इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट डिग्री आप अप्लाई कर सकते हैं, MBA PG DM वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, आर्किटेक्चर वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट CPT वाले भी अकाउंट इसे अप्लाई कर सकते हैं, CFA वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, LLB आफ्टर एंट्रेंस टेस्ट डिग्री वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो रेन्यूअल स्टूडेंट्स हैं उन्हें कम से कम 75% मार्क्स की ज़रूरत है इसको अप्लाई करने के लिए। सिलेक्शन ऑफ टीम डिपार्टमेंट विल सिलेक्ट कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल नीड एंड कैपेबिलिटी टू परस्यू द रेलिवेंट कोर्स, मतलब फाइनेंशियल नीड के अकॉर्डिंग और जो कैपेबिलिटी है रेलिवेंट कोर्स की उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तो फाइनली जानते हैं कैसे इसको आपको अप्लाई करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद रीड करें सारे इंस्ट्रक्शन केयरफुली और अटैच करें सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने आपको अभी यहाँ पर बताए हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, और आपको सेंड करना है आइदर ऑफिशियल एड्रेस और मेल, ईमेल जो है educationdepartment@nirankarifoundation.org है, यहाँ पर आपको मेल करनी। लास्ट डेट इसकी सबमिट करने की 30 सितंबर 2018 है और जो स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट होगी वो 31 दिसंबर 2018 को। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा वो इस तरह होगा। आपको फिर लास्ट में जाकर, हमने अभी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट सब बता चुके हैं ऊपर अबव में, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, डेट ऑफ बर्थ मेल फीमेल यहाँ पर, परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, ईमेल ऑफ द स्टूडेंट, कॉन्टैक्ट नंबर, नेम ऑफ द प्रोग्राम, ड्यूरेशन ऑफ द कितने टाइम में कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट, ईमेल ऑफ द इंस्टीट्यूट, डेट ऑन द विच डेट एडमिशन वाज हेल्ड, यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर, रैंक पोजीशन इन एंट्रेंस एग्जाम में क्या पोजीशन है, वेल एडमिशन टेकन इन मैनेजमेंट कोटा कोई क्वार्टर से है, इस तरह आपको पूरा ये फिल करना है, बैंक अकाउंट नंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द बैंक, IFSC कोड, यहाँ पर आपको सारी क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है 10th की 12th की ग्रेजुएशन की और एनी अदर की। पार्ट सेकंड में आपको बताना है इंफॉर्मेशन ऑफ असेसमेंट ऑफ अंडर निरंकारी राजमाता स्कॉलरशिप, फैमिली इनकम बतानी है, डिटेल्स ऑफ फादर और मदर की क्वालिफिकेशन नेम और डिटेल्स ऑफ सिबलिंग्स एंड डिपेंडेंट इन फैमिली एंड स्टेट ऑफ फैमिली, सोर्स ऑफ इनकम, डिटेल्स ऑफ लोकेलिटी और डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिटेल्स ऑफ एनी अदर स्कॉलरशिप अगर आपके पास कोई है, और फाइनली आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं, आप पेरेंट्स को सिग्नेचर करते हैं और यहाँ पर एक पार्ट फोर में फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट लगाना है
और उसमें वेरिफिकेशन कराना है और इसको सेंड कर देना ईमेल एड्रेस पर जहाँ पर हमने आपको बताया है, मेंबर एडुकेशन संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन 80A अवतार मार्ग संत निरंकारी दिल्ली। और आप मेल भी कर सकते हैं एडुकेशन डिपार्टमेंट dpt@nirankarifoundation.org। तो फ्रेंड्स, आपसे इससे कोई रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप फ्रेंकली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और हमने डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे आने वाली स्कॉलरशिप की सारी वीडियोस आप पर सबसे पहले पहुँच जाए। थैंकिंग यू एंड द बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स।